हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकिंग हिंग्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बेसन ढोकला, जो काफ़ी टेस्टी एंड हेल्दी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक कप बेसन लेंगे और अच्छी तरह से हम बेसन को पहले छान लेंगे छन्नी से, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुठलियाँ रहती हैं छोटी छोटी सी, तो वो सारे हमें तोड़ लेने हैं अच्छी तरह से छान कर। तो यहाँ पे आप मेजरिंग के लिए कोई भी कप या कटोरा ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप यहाँ पे बेसन ले रहे हैं उतना ही हमें दही की जो क्वांटिटी है वो भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बेसन को अच्छी तरह से छान लिए हैं और यहाँ पे हम आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और नमक आधे चम्मच, यानी स्वाद के अनुसार आप यहाँ पर ऐड करें आधे चम्मच, छोटी चम्मच से आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले सकते हैं। इन सारे सामानों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे बेसन के साथ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अब दही। यहाँ देखिए वही कप है सेम जिसमें हम बेसन लिए थे, तो यहाँ पे हम उसी में भर कप दही लिए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो यहाँ पे हम 2-4 चम्मच पानी ऐड करेंगे, नॉर्मल पानी, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यानी जो हमारा बैटर है ज़्यादा थिक या फिर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से पहले घोल लिए हैं और इसकी देखिए जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए। तो हम अभी से साइड करते हैं और पहले हम बर्तन तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें ढोकला बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम नॉर्मल टिफिन लिए हैं, वो भी स्टील का है, कोई भी स्पेशल बर्तन नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से टिफिन को ग्रीस कर लेंगे रिफाइन लगाकर चारों तरफ। तो यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हम पानी रखेंगे लगभग 2 कप और यहाँ पे एक कोई स्टैंड लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस तरीके से आप कोई नॉर्मल कटोरा ले लें, थोड़ा सा वो वजन में भारी होना चाहिए नहीं तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगी। तो यहाँ पे हम कटोरा ले लिए हैं और जब ये पानी अच्छी तरह से हीट हो जाएगी तो बीच में स्टैंड रख देंगे, यानी कटोरा को रख देंगे। तब तक इधर हम बैटर में इनो मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें रखना हो कढ़ाई में बैटर को तभी हम इसमें इनो मिलाएं, पहले नहीं। तो यहाँ पे हम एक इनो लिए हैं और अच्छी तरह से इसमें हम ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं, बस इतना अच्छा से मिलाएं कि ये अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और फटाफट से हम इसे हम जो कटोरा तैयार किए हुए हैं उसमें डालेंगे और फिर से कढ़ाई में रख देंगे। तो इसे तुरंत डालें और फिर से 1-2 बार टैप करें और कढ़ाई में इसे रख दें। तो यहाँ पे देखिए स्टैंड रख दिए हैं, यानी कटोरा रख दिए हैं और इसके ऊपर हम रखने के बाद कवर करके रख देंगे अच्छी तरह से और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक स्टिक से पहले चेक करेंगे, यहाँ पे अगर स्टिक में थोड़ा सा भी अगर बैटर अगर ढोकले चिपक रहे हैं तो इसे और 5 से 7 मिनट रहने दें, अगर क्लियर है तो इसे इसी में ठंडा होने दें। तो यहाँ पे अब हम गैस ऑफ कर लिए हैं और इसे बाहर निकाल लिए हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल के आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही इजी से ये निकल जाते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट, कितना स्पंजी ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है। तो हम इसे अब कट करेंगे
तो कटने के ही प्रोसेस से आपको पता चल रहा होगा कि ढोकला कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और ये कितना स्पंजी है। इसके अंदर बहुत ही सारे एयर्स पॉकेट्स हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिंगल या फिर स्क्वायर, जो आपको इच्छा हो वो कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम स्क्वायर शेप में कट कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना टेस्टी हमारा ढोकला बनकर तैयार है। और ये देखिए काफ़ी ये सॉफ्ट भी है, काफ़ी इसमें एयर पॉकेट्स भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे अब तो ढोकले बनकर तैयार हैं, तो हम इसे अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम तड़का लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे अब तड़का लगाएंगे, तब तक ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो तड़का लगाने के लिए फिर हम वही कढ़ाई लिए हैं, इसमें लगभग 2 चम्मच हम तेल ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 1 छोटी चम्मच के अंदाज से हम इसमें पीली वाली राई रखेंगे, उसे चटकने देंगे। उसके बाद हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और इन्हें थोड़ा सा सेक लेंगे। उसके बाद हम इसमें लगभग 1 कप पानी ऐड करेंगे और यहाँ पे 2 चम्मच चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1 लेमन का जूस निचोड़ लिए हैं, उसे हम छान कर इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारी तड़का है वो थोड़ा खट्टा मीठा होना चाहिए। वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग पर निर्भर करता है, अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो नींबू ऐड करें, नहीं तो अगर मीठा पसंद है तो आप ऐसे ही चीनी डाल के उसके ऊपर तड़का लगा सकते हैं। इसमें आप करी लीव्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट उबलने के बाद गैस ऑफ करेंगे और अब हम ढोकले के ऊपर इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे, जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे ऐड करेंगे। इसके ऊपर से हमें ऐसे ही डालते जाना है ढोकले के ऊपर से, ताकि ये अच्छी तरह से भीने, अंदर अब्जॉर्ब करे जो हमारा तड़का है उसे। तो इस तरीके से हमें एक एक करके सारे ढोकले पे तड़का को डाल देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी टेस्टी और सॉफ्ट ढोकला बनकर तैयार है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच।